कभी सोचा भी नहीं था। आज की भी बात है कि सुबह में हम दोनों तैयार हो गए, मैं चाह रही थी कि ना रहूँगा छुट्टी मत करूँ, कोई बात नहीं जॉब होगा देखा जाएगा। मैं चाह रही थी कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ फादर कुछ मुझे बोले ना, और मैं अपने दिल में प्रार्थना करती करती मैं तो तेरी आराधना में रहना चाहती, पर अब आप मेरे काम से जानता है, मेरी मजबूरी को भी जानते हो, और हम सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ के कुछ खाने की तैयारी करने लगे, बनाने लगे, तो जब पहले किचन में गई फिर मैं सोचती थी अपने छोटे बेटे के लिए कि बब्बू मैं तो थोड़ा सा डांट दूँ तो उसको आराधना में बैठाऊँगी, पर नहीं तो भाग जाएगा वो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु ने इतनी मुझे ताकत दी, खुदा की तरह से मिलने का मुझे मौका दिया, इतना सारा बोझ मेरे अंदर था सब कुछ प्रभु ने आज निकाल दिया। सच में जिस टाइम खुदा की तरह से प्रार्थना करी थी, इतना अभिषेक, इतना सामर्थ्य इस जगह पर था कि मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया, और मेरी आंसुओं के साथ मुझे नहीं पता कि मेरा सारा बोझ ये समस्या ने दूर कर दिया। सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सिस्टर का, जो सिस्टर इतने दूर से हमारे लिए आई और हमारे लिए प्रार्थना की। ये प्रभु का योजना थी हमारे लिए, जो खुदा की दासी ने कहा कि मैं ये समस्या ने यहाँ पर भेजा। नहीं तो सुबह मेरा कोई वो मन नहीं था, सोचती थी थोड़ी देर में छुट्टी में आ जाऊँगी और मैं जाऊँगी अपने काम पर, मैं अपने काम को ये समस्या के हाथों में छोड़ दी, उसे खुदा के दास ने पा दिया, मेरी ये समस्या के हाथों में छोड़ दी। ये सब तो मेरी जय मसीह की। सुबह से बहुत परेशान थी और यहाँ मलयालम सहोदरी ഒത്തിരി ഭാരത്തിൽ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അവർ എന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സകല ഭാരത്തിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥന അവർ മനസ്സിൽ ഓർത്തു. അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മകൻ ഇവിടെ വന്നു, എന്നിട്ട് കുടുംബമായി അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അവർ കണ്ടു ഭവനത്തിൽ വലിയൊരു ദൈവസാന്നിധി ഇറങ്ങി വന്നത്, ആ ദൈവസാന്നിധി അവരുടെ ശരീരത്തിലും ഇറങ്ങി വന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭാരം അത്രയും കർത്താവ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു ദൈവിക സമാധാനം സന്തോഷം കർത്താവ് അതിൻ്റെ മഹത്വം അവർ കർത്താവ്. Clap your hands and glorify. Sister, our sacrifice.